अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इसी के चलते वर्तमान में अयोध्या की नगरी का कायाकल्प हो गया है। सरयू नदी का तट भी अब सुंदर और सुसज्जित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम जी के काल में कैसी थी अयोध्या नगरी? नहीं जानते हैं तो जानते हैं। अयोध्या रामदूत हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्या पूरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। अयोध्या नगरी को वैवस्वान के पुत्र वैवस्व मनु महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसे सप्तपुरियों में प्रथम माना है। प्राचीन काल में अयोध्या कोसल क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र अवध की राजधानी थी, इसलिए इसे अवधपुरी भी कहा जाता है। अवध अर्थात जहाँ किसी का वध न होता हो। अयोध्या नगरी करीब 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नगर के चारों ओर भव्य द्वार थे और परकोटों से यह नगर पूरी तरह कवर था। अयोध्या में भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा होता था, जो फूलों से सजा होता था। नगर में बड़ी और चौड़ी सड़कें, बागीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पूरी को भव्यता के साथ सजाया था। नगर में ऊंचे ऊंचे महलों और मंदिरों के गुंबदों को देखकर लोग दंग रह जाते थे। बाद में भगवान श्री राम के पुत्र लव ने श्रावस्ती नगरी बसाई थी। बौद्ध काल में अयोध्या श्रावस्ती राज्य का प्रमुख शहर बन गया और इसका नाम साकेत प्रचलित हुआ। नंदूलाल डे द जियोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ एशियंस में मिडिवल इंडिया पृष्ठ की 14 पर लिखे उल्लेख के अनुसार राम के समय इस नगर का नाम अवध था।